अगर आपको मुझ पे इतना ही शक है तो आपने मेरे एहसासात की पहले फिक्र क्यों नहीं की? मैंने जो फैसला किया है बिल्कुल ठीक किया है, तुम उसे चैलेंज नहीं कर सकते। तुम्हारे दिल में कोई खाली शहद हो उसे अपने दिल में ही रखो, समझे? दिल में छुपा कर रखने का फैसला तो मैं कर चुका हूँ, मगर तभी भी चिंगारी को हवा आने दी है, कभी ये शोला बन जाए ये मैं नहीं जानता। मैं सोच भी नहीं सकती थी आप ऐसा करेंगे। मैं चाहती थी मैं आपके माजी को छुपा कर रखूं, अगर आप इस तरह चीख चीख कर अब्बू के सामने उसका इतराफ करेंगे, ये मैंने कभी नहीं सोचा था। फातिमा, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं किसी तरह हमारा रिलेशनशिप बच जाए। मैं अपने माजी को भुला चुका हूं, मगर मुझे यकीन ही नहीं था कि तुम और अब्बू इस तरह इंतकामी कार्रवाई पे उतर आओगे। मैं सोच भी नहीं सकता था। कौन सी इंतकामी कार्रवाइयां? मैंने तुम्हें कुछ भी नहीं कहा, कोई गिला शिकवा कोई शिकायत की? मैंने तो हानिया से भी सवाल नहीं किया कि क्यों वो आज तक तुम्हारे दिल पर राज कर रही है। मैंने तो नहीं कहा कि दानियाल का दिल मेरी सल्तनत है, दानियाल अब मेरा है, मैं अब उसकी मलका हूं। मैंने तो कुछ भी नहीं कहा। तुमने कुछ भी नहीं कहा? तुमने हानिया को इस घर में आने से मना कर और अबू ने वहां उसे दफ्तर से ही निकाल दिया, इसको मैं क्या समझूं? हाँ, किया है मैंने मना, तुम अगर उससे मिलना चाहते हो तो बाहर जाकर भी मिल सकते हो, लेकिन यहां नहीं दानियाल, ये मेरा घर है। फातिमा, तुमसे ज्यादा तो मुझे लगता है अब्बू को हमारे रिश्ते की फिक्र है, और मेरा ख्याल है तभी उन्होंने हानिया को ऑफिस से अलग कर दिया। देखो फातिमा, मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूं कि मैं पूरी ईमानदारी से हमारा रिलेशनशिप चलाऊं। मैं उन मर्दों में से नहीं हूं जो अपनी बीवी के होते हुए दूसरी औरतों के बारे में सोचते हैं। सोचते तो हैं आप दानिया, तभी आपको इतना बुरा लगा है ना कि आप जाकर अपने बाप के सामने खड़े हो गए। अगर याद रखना दानिया, मैं उन बीवियों में से नहीं हूं जो चुपचाप अपने शौहर की बेवफाई बर्दाश्त करती रहती हैं। मैंने तुमसे कोई बेवफाई नहीं की फातिमा, जो कुछ था शादी से पहले था। प्लीज इसको मेरे लिए ताना मत बनाओ, वरना वरना क्या? वरना क्या दानियाल, क्या करोगे तुम? बोलो बोलो। मेरे सबर का इम्तिहान मत लो फातिमा, चली जाओ यहां से।